आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। बाल विकास परियोजना कार्यालय नई मंडी में पोषण मेले का आयोजन बाल विकास परियोजना अधिकारी डॉक्टर मंजूलता यादव के मार्गदर्शन में किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक सौरभ बहुगुणा ने फीता काट कर किया। विधायक ने अति कुपोषण बच्चों को अपने हाथों से महालक्ष्मी किट, स्वच्छता किट आदि वितरण की। उन्होंने महालक्ष्मी किट का वितरण किया है यहाँ पर, जो हमारे सरकार के द्वारा अप्रैल 2021 में एक स्कीम शुरू करी गई थी, जिनकी भी नवजात बेटियाँ होंगी, बच्चे होंगी, उनको 6 महीने का जितना भी जरूरतमंद सामान होता है, जरूरत है, वो सारी सरकार के द्वारा दी जा रही है महालक्ष्मी किट में। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान से संबंधित जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में विधायक द्वारा बेटी के जन्म को उत्साह पूर्वक मनाने के साथ साथ बेटियों की पढ़ाई के लिए योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, माननीय रेखा आर्या जी का, जिन्होंने बेटियों के बारे में जो माननीय मोदी जी की सोच है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व की सोच है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक और स्कीम लॉन्च करी। और उम्मीद है कि सरकारी स्कीमें लॉन्च बहुत होती है लेकिन धरातल पर नहीं उतरती, लेकिन मैडम को धन्यवाद करूंगा मैडम और उनकी पूरी टीम का, लगातार मेहनत करके इन्होंने ये तीसरा या चौथा प्रोग्राम किया है जिसमें मैं आया हूँ महालक्ष्मी किट के वितरण में, और लगातार ये लोगों के बीच जा जाके हमारी बहनें जो है वो लोगों को चिन्हित कर रही है और उनको इस योजना का फायदा दे रही है। इस मौके पर बाल विकास परियोजना अधिकारी डॉक्टर मंजूलता यादव द्वारा जन समुदाय को पोषण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। सितारगंज से दीपक भारद्वाज, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।